चिकन अगर टेंडर हो और जूसी भी हो तो ऐसी रेसिपी किसको देनी चाहिए होगी। मेरे साथ ही रहिएगा अगर आपको ऐसी रेसिपी जाननी है। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ हम ये चिकन रोस्ट करेंगे। इसके लिए योगर्ट में आपने जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल देना है और उसके साथ ही तकरीबन 3 बड़े लेमन को स्क्वीज़ करके इसमें डालना है, 2 टेबल स्पून के बराबर। ये जो बटर ऑयल है, ये बटर को ऑयल में मिक्स करके मेल्ट करके आपने डाल देना है। और साथ में ही योक ले लेनी है, आपने एक वाइट नहीं लेना, योक ले लेनी है और इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है। कोई और मसाला इसमें बिल्कुल भी नहीं जाएगा। दिस इज़ व्हाट आई डू एट होम। मैं चिकन टिक्का मसाला इसमें पूरा 1 पैकेट आप डाल दें, जो यूजुअली मैं भी करती हूँ घर में, एंड यू विल सी इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। आपको कुछ और मसाला डालने की ज़रूरत नहीं है, ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। दिस इज़ व्हाट आई डू एट माई होम और मैं आपको यही रिकमेंड कर रही हूँ। चॉइस इज योर्स, लेकिन आपको एक वाकई में अच्छा टेस्ट आएगा बहुत कम मैरिनेशन के साथ। मैंने 1.5 किलो के करीब चिकन ले लिया था, ठीक है, उसमें कट्स लगा लिए, डीप डीप लगाइएगा ताकि जो स्पाइसेस हैं वो अच्छे से इसमें चले जाएं। और वैसे भी आपको पता है कि कुछ ये जो चिकन ब्रेस्ट होती है इसमें कोई टेस्ट कुछ भी नहीं होता, थोड़ी सी ड्राइनेस फील होती है। आपने अच्छे से लगा देना है मसाला इस पर, और मैंने इसलिए बर्तन चेंज कर दिया था कि अच्छे तरीके से हाथ से मैं मसाला लगाऊँ। आप इस पर ब्रश से भी लगा सकते हैं, बट आई विल प्रेफर कि आप इस तरह से लगाएं। इसके बाद आप जिपलॉक बैग में भी लग सकते हैं, मेरे पास नहीं था, मैंने साफ सुथरे शॉपर में डाल दिया और फ्रीज़ कर दिया, रेफ्रिजरेट कर दिया। देन मैंने ओवन जो कि प्री हीट किया हुआ था उसमें डिश के ऊपर एक फाइल लगा के उसमें रख दिया 180 पे, तकरीबन 1 घंटा 10 मिनट लगेंगे। और आपने सेंटर की ग्रिल में रखना है। जब मैंने इसे निकाला, उसमें मैंने इसको बांधा नहीं, इसकी लेग्स को अगर आप बांधना चाहें तो आप बांध सकते हैं। इसमें सारे जूसेस जो निकल रहे होते हैं वो तकरीबन निकल के ख़त्म हो चुके थे। अब इसको हल्के से ग्रीस करके, अब जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपने इसको दोबारा से फॉइल से कवर करके 1/2 घंटा रखना है। रीज़न ये है कि आपका जो चिकन है वो बहुत सॉफ्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आप खुला करके उसे ओपन में आप बेक कर रहे थे तो वो बहुत हार्ड हो जाता है। अब उसको कवर किया तो वो उसी स्टीम में सॉफ्ट हो जाएगा। लुक एट दिस, कितना ज़बरदस्त कलर है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक्स।